देश प्रदेश में लगातार पेट्रोल डीजल रसोई गैस और घरेलू उपयोगी सामग्री की कीमतों में वृद्धि किए जाने पर नगर कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान स्थानीय भोपाल तिराहा स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचकर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल लेने वाले लोगों को पुष्पगुच्छ भेंट किए। हौसला बढ़ाया कि भाजपा सरकार चुनने के बाद भी इतना महंगा पेट्रोल आप लोग खरीद रहे हैं और ये खरीदने को मजबूर भी हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए शीघ्र ही पेट्रोल डीजल रसोई गैस और खाद्य सामग्री के मूल्य वृद्धि कम करने की बात कही है, जिसमें आम जनता को राहत मिल सके। इस दौरान उपस्थित विजय सिंह लोधी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष फहीम कुरैशी, युवा कांग्रेस नेता सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। नगर कांग्रेस के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने मिलकर पेट्रोल डीजल रसोई गैस का बढ़ती कीमतों का जोरदार विरोध किया है और गरीब जनता और आम जनता अब इस भाजपा सरकार से त्रस्त हो चुकी है। आप ये बताएं कि 60 साल की कांग्रेस सरकार में 50 रुपए वाला पेट्रोल, 40 रुपए वाला डीजल, 300 रुपए वाली गैस अच्छी थी, या इनका 105 का पेट्रोल, 95 का डीजल और 850 की गैस। आप एसी में बैठकर आपके मंत्री और आपके मुख्यमंत्री मेरे शिवराज जी, आप एसी में बैठकर राज कर रहे हैं या गरीब के दर चूल्हा नहीं जल रहा, आम आदमी पेट्रोल नहीं डलवा पा रहा है, आप को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आपने भोली भाली जनता के साथ वोट लेकर सरकार बनाई थी, उनके साथ धोखा किया है, इसका जवाब आपको जनता अगले चुनाव में देगी। और अभी हम लोग आज तो शुरुआत है, आगे और आंदोलन करेंगे, आपको रेट कम करना पड़ेंगे। आपका हर प्रदेश से 10 रुपये ज़्यादा रेट है, कहाँ जा रहा है ये पैसा आपका? आपके मंत्रियों के घर पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये पैसा? आपको जवाब, जनता को जवाब देना होगा। जय कांग्रेस, जय कमलनाथ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।